तो आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं समुराई पेगासस, वही सबसे ज़्यादा सुंदर बेवलेड। ये हम अनबॉक्स कर रहे हैं हमारे 5000 सब्सक्राइबर होने की खुशी में, जो कि हमारे इंग्लिश चैनल पे कंप्लीट हुए हैं अभी रिसेंटली। तो बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है गाइस। समुराई पेगासस, इसका कोड नेम होता है W105R2F, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। और काफ़ी ज़्यादा 0G सिस्टम कुछ लिखा हुआ है समुराई का, कि ये इसकी लेयर के बारे में बताया हुआ है गाइस। जैसे ये इसका जो स्टोन फेस कहते हैं, क्रिस्टल व्हील है, उसके बाद ट्रैक है, बॉटम है, जो भी पर जैपनीज़ में लिखा हुआ है, तो मुझे ज़्यादा पढ़ना नहीं आती, ज़्यादा क्या थोड़ी भी पढ़ना नहीं आती जैपनीज़। चलिए अनबॉक्स करते हैं गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अनबॉक्स करना बहुत ज़्यादा सिंपल है, ऐसे बस सेलो टेप उतार लो वीडियो बनाने से पहले, फिर तो खुल ही जाता है। तो ये है इसकी स्टिकर शीट गाइस। पहले सारा सामान बाहर निकाल लेते हैं जो कुछ भी आता है इसके अंदर। तो ये सभी सामान आता है इसके अंदर गाइस। ये है स्टिकर शीट और साथ में मैनुअल भी है इसका, और इसमें कुछ स्पिन ट्रैक और वो भी जो बॉटम पार्ट होता है ना, वो भी मिलता है इसमें। और साथ में सबसे बेस्ट तो यहाँ है गाइस, वेल ये लॉन्चर और ये बेब्लेड। चलिए इसे खोलते हैं, देखते हैं क्या क्या बढ़िया है इसमें। ओके, सेलो टेप साइड से उतर जाती है गाइस, काफ़ी ज़्यादा अच्छी पैकिंग है। वेल चलिए निकालते हैं इसे बाहर। ओके, ये आ गया सेलो टेप से बाहर और ये भी आ गया। वेल मैं एक्चुअल में कलेक्शन टाइप का बंदा हूँ, तो कलेक्ट करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो ये है हमारा क्या कहते हैं समुराई पेगासस का सब कुछ। वेल इसे भी बाहर निकाल लेते हैं गाइस, इसके स्पिन ट्रैक और ओके आराम से काटा जाए। थोड़ा सा महंगा भी है गाइस, सस्ता नहीं मिलता है टकारा टोमी का, ये समझना पड़ेगा सभी को। वेल ये है इसका स्पिन ट्रैक गाइस, ये वाला एक्चुअली ये इसकी टिप थी, काफ़ी ज़्यादा सुंदर है गाइस, रेड कलर में क्या ही ब्यूटी लग रहा है पूरा। अब इसमें देख लेते हैं क्या क्या है, अगर बाहर आ जाए एक बार के लिए बस। ओके, तो ये है गाइस समुराई पेगासस का। मुझे एक्चुअल शोगम स्टील का पता नहीं है क्या सिस्टम होता है, बट काफ़ी ज़्यादा सुंदर है गाइस ये, जो भी है मेटल का बना हुआ है पूरा। और इसको आई थिंक हाँ यहाँ पे एडजस्ट हो, नहीं इस तरफ को करके ऐसे एडजस्ट हो जाता है। फिर चलिए थोड़ा असेंबल करके देखते हैं इसे, क्या असेंबल हो पाता है हमसे। ओके, ये यहाँ पे लग जाएगा। इसमें टूल नहीं दिया क्या, वो इसके लॉन्चर है इसी में टूल होता है गाइस, तो इसमें टूल नहीं आता, जो ये शोगुम स्टील के बेस होते हैं ना, इसमें टूल नहीं आता है। वेल ये लग गया, तो इसको भी थोड़ा सा यहाँ पे लगा के देखते हैं। ओके भाई, ऐसे कुछ खास नहीं लग रहा है, इसमें ना स्टिकर लगाने पड़ेंगे फिर सुंदर लगेगा ये। चलिए स्टिकर लगाते हैं गाइस इस पर पहले, तो भाई सुंदर लग रहा है ऐसे ही। चलिए इसके स्टिकर्स लगाते हैं गाइस, फिर करते हैं जरा बातचीत। ये है इसकी स्टिकर शीट गाइस, अभी मैंने बाहर निकाली है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। पहले इस पर लिखा हुआ है ताकाफुमी अडाची MFB प्रोजेक्ट TV टोक्यो, जो भी भाई नाम है ये सब जानते ही हो आप सभी लोग। चलिए पहले तो पेगासस को लगाते हैं। तो ये होती है स्टिकरिंग ख़त्म गाइस समुराई पेगासस की। भाई इतना सुंदर बे है ये, मैं क्या बताऊँ आपको,
बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है स्टिकर्स के साथ। अब देखिए ज़रा इसकी डिटेलिंग्स को मैन, जस्ट अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, फोकस कर पाऊँ इसके पार्ट्स पे, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं इसके ब्लेड गाइस। तो अगर आपको कभी भी चांस मिले एक समुराई पेगासस लेने का, तो बिना सोचे जाएं इसके लिए गाइस, बहुत ही ज़्यादा सुंदर बेब्लेड है और ऐसा बे दोबारा तो नहीं बनेगा ऑब्वियसली। और चलो इसे ज़रा टेस्ट स्पिन बैटल्स में टेस्ट स्पिन करके देखते हैं, बैटल तो नहीं करूँगा मैं इसके साथ। चलिए गाइस, तो ये एडजस्ट हो चुका है गाइस इसके लॉन्चर में, जैसे कि आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लॉन्चर है। इसकी रिपकॉर्ड भी काफ़ी अच्छी है, देखते हैं कितनी पावरफुल से लॉन्च करते हैं। थर्ड वन को शूट, ओहो स्पीड है गाइस, स्पीड तो है बे में, बेशक अटैक टाइप बे ब्लेड है, राइट स्पिन बे है, ये भी राइट स्पिन है लॉन्चर, काफ़ी अच्छा बे है गाइस समुराई पेगासस। तो अगर आपको कभी भी चांस मिले इसे लेने का, बेझिझक ले लें गाइस, बहुत ही ज़्यादा प्यारा बे है। तो इसी के साथ इस अनबॉक्सिंग को ख़त्म करते हैं गाइस। ये सभी पार्ट्स आए थे इसके बीच, वेल हमने सभी को यूज़ कर लिया ऑलमोस्ट। ये इसका यूज़र मैनुअल था, जिसका अगर बेब्लेड को जानते हो आप तो आपको इसकी तो ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। और ये हमारा हीरो इस वीडियो का, समुराई पेगासस, हियर वी गो गाइस। मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपको ये बेब्लेड कैसा लगा। वेल मेरी पर्सनल राय में तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा बेब्लेड है ये। तो चलिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा गाइस, और आल्सो कमेंट करिएगा इस वीडियो पे। वेल हेयर फ्री स्टाइल ब्लेडर ओवर एंड आउट।